इंडिया आजकल, सच खबर हर पल। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल इंडिया आजकल सच खबर हर पल में। पेश है आज की बड़ी खबर। कोरोना की संजीवनी देश में ही तैयार, बस कुछ दिन का और इंतजार है जब दुनिया करेगी भारत की जय जयकार। जी हाँ दोस्तों, दुनिया भर में हर किसी को इंतजार है कि कोरोना वायरस को मारने वाली वैक्सीन कब बनेगी। इस बीच भारत के लिए बड़ी खुशखबरी है कि देश में ही वैक्सीन बनकर तैयार है और पूना में इसका जोर से काम चल रहा है, जो जल्दी ही करेगा कोरोना पर वार। दुनिया से कोरोना वायरस की अंतिम विदाई के लिए चीन और भारत समेत कई देशों में वैक्सीन पर तेजी से काम चल रहा है, लेकिन राहत भरी खबर भारत की वैक्सीन बनाने वाली पूना स्थित कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से आई है, जो कोरोना वायरस का टीका बनाने के बेहद करीब है। आपको बता दें कि अगले महीने से वैक्सीन बनाने की तैयारी जोरों पर है। पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट दुनिया की उन कंपनियों में शामिल है जिसने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ वैक्सीन बनाने के लिए उत्पादन की साझेदारी की है। भारत में परीक्षण की तैयारी शुरू। सीरम इंस्टीट्यूट के अनुसार वैक्सीन की टेस्टिंग शुरू करने के लिए कई जरूरी मंजूरियां लेने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। कंपनी के सीईओ पूनावाला ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि इस वैक्सीन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए हमें अन्य साझेदारों से भी सहयोग मिलने की उम्मीद है। ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल हो चुका है शुरू। बीते 23 अप्रैल से ही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल के पहले फेज को शुरू कर चुकी है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में वैक्सीन ट्रायल को लेकर के वैज्ञानिकों ने इस बात की उम्मीद जताई है कि इस वैक्सीन के सफल होने की 80% संभावना है। खास बात यह भी है कि इस वैक्सीन प्रोजेक्ट को के लिए ब्रिटेन सरकार से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को 2 करोड़ पाउंड तक की फंडिंग मिली है। इतने ही नहीं, जानकारी के अनुसार इस वैक्सीन की टेस्टिंग 500 वॉलंटियर पर किया जा रहा है, जिनकी उम्र लगभग 15 से 55 साल के बीच की है। कोरोना से जंग में सुपर पावर अमेरिका, इटली जैसे संपन्न देशों में हाहाकार मचा हुआ है। ऐसे में कोरोना वायरस से छुटकारा दिलाने वाली वैक्सीन यानी टीके की मांग हर देश में जोर से हो रही है। वैक्सीन का ट्रायल भी कई देशों में शुरू हो गया है, लेकिन सबसे बड़ी संजीवनी उस देश के लिए साबित होगी जहां वैक्सीन का सफल परीक्षण होगा, क्योंकि जो भी सफल कंपनी होगी वो अपने देश के अलावा पूरी दुनिया में वैक्सीन की सप्लाई करेगी। कोरोना वायरस से अब तक 2 लाख से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। तकरीबन 30 लाख लोग कोविड-19 वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। दुनिया के तमाम देश इस वायरस से निजात पाने के लिए वैक्सीन, टीका या कोई न कोई दवाई बनाने के लिए जुटे हुए हैं, लेकिन अभी तक किसी को कामयाबी नहीं मिल सकी थी। ऐसे में दुनिया कोविड-19 के वैक्सीन बनने की उम्मीद की नज़रों से भारत की ओर देख रही है। करीब 2 हफ्ते पहले अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि भारत और अमेरिका कोरोना वायरस से निजात पाने के लिए वैक्सीन डेवलप कर रहे हैं। पोम्पियो ने कोई ऐसी बात नहीं कही जो नई हो या हैरान करने वाली हो। दरअसल ये दोनों ही देश वैक्सीन बनाने को लेकर के आज से नहीं बल्कि पिछले 3 दशक से मिलकर काम, यानी 30 साल से मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों देश जॉइंट वैक्सीन डेवलपमेंट प्रोग्राम चला रहे हैं। भारत और अमेरिका ने डेंगू, आंत्र रोग, इन्फ्लुएंजा और टीबी को रोकने का वैक्सीन मिलकर तैयार किया था। अब निकट भविष्य में डेंगू के टीके के ट्रायल पर भी काम हो रहा है। भारत दुनिया में सबसे अधिक जेनेरिक दवाएं बनाने के लिए और टीका बनाने के लिए जाना जाता है। यह आधा दर्जन प्रमुख वैक्सीन निर्माताओं का देश है। यहाँ पोलियो, मेनिनजाइटिस, निमोनिया, रोटावायरस, BCG, खसरा, मम्प्स, रूबेला के टीके या दवाइयां खुराक बनाते हैं। अब आधा दर्जन भारतीय कंपनियां कोविड-19 रोकने के लिए टीके विकसित कर रही हैं। BBC न्यूज नेटवर्क के मुताबिक भारत ऐसी ही कंपनियों में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया शामिल है। यह दुनिया भर के सबसे अधिक टीके और उसके डोज बनाने वाली कंपनी है। 53 साल पुरानी कंपनी हर साल 1.5 अरब डोज बनाती है। इस कंपनी में करीब 7,000 लोग काम करते हैं। कंपनी 165 देशों में 20 टीकों की आपूर्ति करती है। अब इस फार्मा ने लाइव
एटेन्यू टेड वैक्सीन विकसित करने के लिए अमेरिकी बायोटेक कंपनी से करार किया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आदर पूनावाला ने कहा कि हम अप्रैल में इस टीके के चूहों पर ट्रायल की योजना बना रहे हैं। सितंबर तक हमें इंसानों पर ट्रायल करने की स्थिति में होंगे। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित टीके के उत्पादन के लिए भी समझौता किया है। ऑक्सफोर्ड में गुरुवार को इसका ह्यूमन ट्रायल शुरू होगा। ऑक्सफोर्ड में जेनर इंस्टीट्यूट चलाने वाले प्रोफेसर एंड्रयू हिल ने कहा है कि दुनिया को साल के अंत तक लाखों डोज की जरूरत है। भारतीय फर्म में 400 से 500 मिलियन डोज बनाने की अतिरिक्त क्षमता है। हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक ने वैक्सीन की लगभग 30 करोड़ डोज बनाने के लिए विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय मेडिसिन और अमेरिका स्थित फर्म फ्लूजन से करार किया है। जाइडस कैडिला दो टीकों पर काम कर रहा है, बायोलॉजिकल ई, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल एंड मिनवैक्स भी वैक्सीन डेवलप करने में जुटे हुए हैं। 4-5 और फर्म भी वैक्सीन विकसित करने की दिशा में कोशिश कर रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन ने कहा है कि इसका श्रेय उद्यमियों और फार्मास्यूटिकल कंपनियों को जाना चाहिए जिन्होंने क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग में निवेश किया है। इन कंपनियों के मालिकों ने अच्छा काम करने के साथ साथ में बिजनेस का लक्ष्य रखा है, जो दुनिया के लिए एक अच्छी बात है। हालांकि विशेषज्ञों ने चेताया भी है कि लोगों को वैक्सीन आने की उम्मीद की बहुत जल्दी उम्मीद नहीं करनी चाहिए। इंपीरियल कॉलेज लंदन में वैश्विक स्वास्थ्य के प्रोफेसर डेविड नाबरो कहते हैं कि मनुष्य को निकट भविष्य में कोरोना वायरस के खतरे के साथ रहना होगा और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि कोई वैक्सीन कामयाबी पूर्वक जल्दी ही विकसित कर ली जाएगी। इंडिया आजकल, सच खबर हर पल।